देखो बस ओ इस दम खराब हूँ चल चल जल्दी ये कम खराब है बस हो गया बिल्कुल यार अगली बार जाने आने दे तो जम्मू शहर के डिप्टी मेयर श्रीमती पूर्णिमा शर्मा जी, प्रमुख सचिव आवास श्री धीरज गुप्ता जी, जम्मू के डिविजनल कमिश्नर श्री राघव लंगर जी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की आयुक्त रवनी अवासा जी, डॉक्टर मिताली गुप्ता जी, यहां की सभासद महोदया, सभी कॉरपोरेटर्स, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्य, स्वयं सेवी संस्थाओं से जुड़े सभी महानुभाव, देवियों सज्जनों तथा मित्रों, आज इस महत्वपूर्ण कदम के लिए मैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और इस पार्क को डेवलप करने के लिए डॉक्टर मिताली गुप्ता और उनकी टीम और यहां की कॉरपोरेटर को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। जम्मू में अडॉप्ट पार्क अभियान में गंदगी से भरे पार्क को हर्बल गार्डन में तब्दील करके एक नई मिसाल कायम की गई है और जिन लोगों ने इस काम को किया है, खासतौर से मुझे बताया गया डॉक्टर मिताली गुप्ता, उनको मैं विशेष रूप से साधुवाद देता हूं। संस्कृत का एक शब्द है देवांश, यानी भगवान के अलग अलग अंश, और इस हर्बल गार्डन के लिए खुद पहल करके, अपना खर्च करके, मेहनत करके उसे देवांश में तब्दील करना मैं समझता हूं कि एक जागरूक नागरिक ही कर सकता है और ऐसे नागरिक का अभिनंदन समाज में जरूर होना चाहिए। एक नए प्रकार की शुरुआत भी मैं कर सकता हूं। मैं इस अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने और कम्युनिटी में जिम्मेदारी की भावना से पार्कों को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न नागरिक समूहों, जिनमें कई को आज पुरस्कृत किया गया है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का भी साधुवाद करना चाहूंगा। जैसा अभी डिप्टी मेयर साहिबा ने कहा कि 17 पार्क अभी तक जम्मू में लोगों ने अडॉप्ट किए, उन्होंने इसके प्रोसेस और जिम्मेदारियों के बारे में भी विस्तार से बताया है, मैं उस विवरण में नहीं जाना चाहता। जो अभी आपने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखी, मुझे लगता है कि ये जो मेडिसिनल हर्ब्स लगाई गई उसके लाभ क्या क्या हो सकते। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम हो का सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान गुरु खान बंगाली। घर बैठे पाएं समाधान, अभी कॉल करें 844-827-903। स्थायी और संस्थागत स्वरूप देना ये समय की आवश्यकता है और अगर ये काम हम कर सके तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में तस्वीर बदल सकती है। अनेक शहरों में जिन्होंने पार्क को अडॉप्ट किया और अपने गंभीर काम के द्वारा सिर्फ म्युनिसिपल ही नहीं बल्कि कम्युनिटी के लोगों से भी सराहना हासिल की, उन्हें रेवेन्यू अर्जित करने के लिए
इको फ्रेंडली स्टॉल, बुक्स, गार्डन प्लांट्स वगैरह के लिए अनुमति दी गई। ग्रीन कवर के विकास का एक नया मॉडल है जो प्राकृतिक संसाधनों को विनाश से बचाएगा तथा एक खुशहाल और स्वस्थ समाज का निर्माण भी करेगा। आप सबको मालूम है कि पेड़ पौधों का संरक्षण, उसकी सुरक्षा ये हमारी संस्कृति का मूल आधार है। अथर्ववेद की प्रार्थना में भी कहा गया है कि अगर मैं अपनी जरूरत के लिए किसी पेड़ से कुछ ले रहा हूं, अगर उसकी एक टहनी काट रहा हूं, तो प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि वह फिर से बड़ा हो जाए। इसलिए जब भी लोग पेड़ पौधे की सेवा करते हैं तो वो किसी पुरानी विचारधारा या अंधविश्वास की वजह से नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश उससे व्यापक रूप से प्रचारित होता है। हमारी विरासत, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि जीवन में समृद्धि के लिए प्रकृति का सम्मान सबसे आवश्यक है। एडॉप्ट के पार्क एक संदेश भी है कि हमारे देश की जीवन शैली सरल और पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त रही। आज जब हम आधुनिकता के युग में जी रहे हैं तो ये जरूरी है कि कम से कम अपनी परंपरा की अच्छाई को हम सब बरकरार रखें। जम्मू कश्मीर का प्रशासन अनेक अभियान चला रहा है लोगों के हितों के लिए। मोटे तौर पर 10 प्रमुख अभियान हैं, जिसमें एक कार्यक्रम है हर गांव हरियाली। तो गांव शब्द का इस्तेमाल है, इसका यह मतलब नहीं कि शहर में यह नहीं हो सकता है। मोटे तौर पर जो लक्ष्य है 1,30,00,000 पौधे लगाने का, वो प्रबुद्ध नागरिकों की व्यापक भागीदारी से ही पूरा हो सकता है। मेरा आप सबसे विनम्रतापूर्वक निवेदन होगा, इस अभियान में जागरूकता भी पैदा करें, स्वयं भी भागीदार बने। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ सालों में विश्व ने जितनी तरक्की की है, प्रकृति की धन संपदा उतनी ही कम होती गई। ये सोचने का और विचार करने का विषय है। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने Lucent Global School, the first ever school in Kashmir to offer Geneva, Switzerland-based international curriculum. Schooling still need change from traditional to transformational. How Lucent curriculum differs from other boards? Lucent offers inquiry-based learning rather than lecture-based learning. More into learning than memorizing. Quality of assignment than quantity, application of knowledge than factual approach, interdisciplinary approach than multidisciplinary approach, more collaborative learning, less individual. Other benefits at Lucent: English language lab, international standard library, coding in robotics, extracurricular activities and much more. So what are you waiting for? Admission now.